हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए मुंबई का फेमस बड़ा पाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें तो आप भी आसानी से अपने घर में बड़ा पाव तैयार कर सकते हैं। बड़ा पाव हम घर के ही इंग्रेडिएंट से तैयार करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम जल्दी से इसकी रेसिपी देख इसकी लेते चटनी हैं। बनाने के लिए हम लेंगे हरा धनिया पत्ता, हम इसमें 2 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे, एक टुकड़ा अदरक का ऐड करेंगे। हम इसमें 1/2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। हम इसमें 2 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे, हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है, चटनी हमारा बन गया है। बड़ा चटनी को हम निकाल लेंगे। बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं। हम इसे हाथ से मसल लेंगे। देखिए, हमने इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लिया है, अब हम इसे फ्राई कर हम लेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। हम इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। 1/2 चम्मच सरसों के दाने ऐड करेंगे। सरसों के दाने हमारे क्रैक हो गए हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्च को मैंने दरदरा कूट लिया है, हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 10 से 12 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। सब अच्छे से भुन गया है, हम इसमें हमारे आलू ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे मिलाते हुए। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, इसे भी मिला लेंगे अच्छे से। हमारा आलू का मसाला अच्छे से भुन गया है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। मैंने इसे बारीक काट लिया है। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से बन के तैयार है। हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप बेसन लिया है। हम इसमें 1/2 चम्मच चावल का पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हम सभी चीज़ों को चम्मच से मिला लेंगे। हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके इसका बैटर तैयार करेंगे। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर तैयार कर लिया है। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार हो बनाने के लिए मसाले वाले आलू का हमने छोटा छोटा बॉल्स बना लिया है। बैटर बना के 10 मिनट हो गया है। अब हम इसका बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने से पहले हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। हमने इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। अब हम इसे मिला लेंगे।
हम इसे चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे। बड़ा को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में तेल लिया है, इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हुआ कि नहीं हम इसे चेक कर लेंगे, का घोल ऐड करेंगे। तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ एक बड़ा लिया है, इसे हम अच्छी तरह से बेसन के घोल से कोट कर लेंगे। अब हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम हमारे दूसरे बड़े भी बेसन में डिप करके उसे फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। हम इसे पलट देंगे। हम इसे चम्मच की मदद से पलट लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छी तरह से पलट कर फ्राई होने देंगे। बड़ा हमारा फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे बड़े को फ्राई करके निकाल लेंगे। मैंने यहाँ चार पाव लिए हैं। हम इसे इस तरह बीच में से कट कर लेंगे। हम इसके बीच में हमारा हरा चटनी ऐड करेंगे। और इसके बीच में हम हमारा बड़ा ऐड करेंगे और इस तरह उसे प्रेस करेंगे। इसी तरह हम हमारे दूसरे पाव को भी बीच में से कट कर लेंगे। इसमें भी ग्रीन चटनी ऐड करेंगे मिडिल में। हम इसमें बड़ा ऐड करेंगे। इसी तरह हम सभी का बड़ा पाव बना लेंगे। कि हमारा बड़ा पाव बनके तैयार हो गया है, आप भी इसी तरह आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।